हेलो, वेलकम बैक। मैं फिर से एक बार आ चुका हूँ आपके ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड क्लास लेकर के। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम आशीष सर, योर इंग्लिश टीचर। यू आर द मोस्ट वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल देव क्लासेस। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड क्लास। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था रिमूव टू, एडवर्ब रिमूव टू। हमने टू को या टी डबल ओ टू को हटाने के बहुत सारे रूल्स बताए थे, हमने आपको एग्जांपल्स भी दिया था। और आज हम चलेंगे यूज टू, यानी यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के पहला वीडियो देखिए, पहला क्लास करिए, उसको अपने कॉपी पर नोट कीजिए। और यदि पहला क्लास आप देख लेंगे तो सेकेंड क्लास बहुत ही अच्छे से आपको आ जाएगा, या हो सकता है आपको देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि पहला वीडियो यदि देख लेंगे तो सेकेंड वाला उसी का जस्ट अपोजिट है। लेकिन अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, सीखने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए सेकेंड वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। तो चलते हैं, बहुत सारे इसमें रूल्स हैं, मैं आपको ट्रिक और टिप्स दोनों साथ साथ लेके चलूँगा ताकि आपको बहुत अच्छे से आए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ही बात कहूँगा, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अपने हर एक फ्रेंड्स में, हर एक रिलेशंस में उसको शेयर करें, ताकि हर एक विद्यार्थी, हर एक रिलेशंस वाला, हर एक आपका मित्र पढ़ सके। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूज टू, यानी हमने लास्ट वाले वीडियो में, पिछले क्लासों में हमने रिमूव टू यानी टू को हटाया था, और आज उसी को लगाना है, यानी हमने जो जो हटाया था और उसी को फिर हमें लगाना है। तो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, बहुत ही इजी वे में आपको बताने वाला हूँ। ध्यान दीजिए कैसे लिखा है। शी वाज सो पुअर दैट शी कुड नॉट पे हर फी। क्या करा है? शी वाज सो पुअर, वह इतनी गरीब थी, दैट कि शी कुड नॉट पे हर फी, वह अपना फीस सबमिट नहीं कर सकती थी, अपना फीस जमा नहीं कर सकती थी, नहीं चुका सकती थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यूज टू करेंगे, यानी सो को हटा के टू लगाएंगे, दैट को हटा के टी और टू लगाएंगे, फिर जो सेकेंड वाला जो फर्स्ट सब्जेक्ट को दोहराते थे उसको हटा देंगे, कैन नॉट को हटा देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। यानी बड़े सेंटेंस को छोटे में करना है। देखिए वेरी इजी, कैसे बनेगा भाई? बन जाएगा ये, हम लोग बनाएंगे कैसे, सी वाज, सो को हटाएंगे टू, सो को हटाएंगे टू, पुअर, फिश को हटाएंगे टू लगाएंगे, दैट को हटाकर टू लगाएंगे, पिछला वीडियो देखेंगे बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। तो टू, फिर ये जो सेकेंड दोहराए थे इसको हटा देंगे, यानी आप क्या करेंगे, इतना हटा देंगे, इतना आप हटा देंगे, तो क्या बचेगा, पे हर फी हो गया। इसे बोलते हैं यूज टू, यानी हमने सो को टू लगाया, दैट को हटा करके टू लगाया, ये सी कुड नॉट हमने हटा दिया, जो बचेगा उसको लिख दिया। बड़े सेंटेंस को छोटे में करना, ठीक है, ये यूज टू, एडवर्ब यूज टू। ठीक है, सेकेंड लेते हैं, सेकेंड क्या करा भाई, सी सो वीक, सी इज सो वीक, क्या हो गया, सी इज सो वीक That she cannot, that she cannot, she cannot, क्या हो गया, she is so weak that she cannot pass this year, pass this year, pass this year, तो she is so weak that she cannot pass this year। एक से एक मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेकर के आ रहा हूँ, आप ध्यान से इसको देखें और अपने पढ़ाई को पूरा करें। कैसे बनेगा, आप सभी मेरे साथ बनाइए, मेरे से पहले बनाइए। ठीक, कैसे बनेगा भाई, ये बन जाएगा आराम से आपका, सी इज, सो को हटाएंगे टू में, वीक हो जाएगा, दैट को हटाएंगे टू में हो जाएगा, फिर ये आप यहां से हटा देंगे, कितना हटा देंगे, ये इतना हटा देंगे, ठीक, इतना हटा देंगे, क्या बचेगा, पास दिस ईयर, पास दिस ईयर हो गया। एक से एक सेंटेंस, कठिन से कठिन सेंटेंस मैं आपके लिए क्या आया हूँ, ताकि बोर्ड एग्जाम्स में आप अच्छे नंबर पा सकें, और सिर्फ
देव क्लासेस पर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल क्या है भाई, द लायन वाज सो ओल्ड, द लायन वाज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट गो आउट। ठीक, क्या हो गया, द लायन वाज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट गो आउट, यानी क्या है, लायन ठीक इतना ज़्यादा बूढ़ा है कि वह बाहर नहीं जा सकता था, नहीं जा सका। कैसे बनेगा, बन जाएगा आराम से, यहाँ पे आप बना देंगे द लायन वाज सो को हटाएंगे टू लगाएंगे, सो को हटाएंगे टू लगाएंगे, ओल्ड फिर दैट को हटाएंगे तो टू लगा देंगे, उसके बाद फिर वही बात आ गई, यहाँ से क्या करेंगे, इतना हटा देंगे तो सीधे क्या बचा, टू गो आउट। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा ट्रांसफॉर्मेशन का यह जो सेकेंड क्लास है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आप सबके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो ज़रूर इसको अपने कापी पर नोट करते रहें। चलिए आगे लिखते हैं, चौथा सेंटेंस लेते हैं आपके सामने, क्या कर भाई, द मैंगो वाज सो सावर दैट वी कुड नॉट ईट। ठीक है, द मैंगो वाज सो सावर दैट वी कुड नॉट ईट ईट, यानी आम क्या है, इतना खट्टा है कि हम लोग उसे खा नहीं सकते। ठीक है, आप देखिए दैट के बाद वी आ गया, यहाँ डिफरेंट, यहाँ दूसरा सब्जेक्ट, यहाँ दूसरा सब्जेक्ट, तो आप अभी जब पढ़े होंगे रिमूव टू, तो रिमूव टू में आता था फार्मी फारस, है ना, आता था इस करके गए, तो आपको बदलते थे वी में, अब उसी को वी आया है तो फारस कर देंगे, है ना, वी आया तो फारस कर देंगे, आई आया होता तो फार्मी कर दिए होते, ही आया होता तो फार हिम, इस तरह से। ठीक है, जैसा सब्जेक्टिव केस, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे, और रिमूव टू में ऑब्जेक्टिव केस में आता था तो उसको हम सब्जेक्टिव केस में बदलते थे, बस सीधी सी बात है। चलिए कैसे बनता है, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, अच्छे से बन जाएगा, तो द मैंगो वाज सो को हटाएंगे टू, सावर माने खट्टा होता है, ठीक है, सावर तो वी आ गया, क्या होगा, फार अस, क्या होगा, फार अस, फिर इसको हटा के टू लगाएंगे, टू ये आपका ये हट ही जाएगा, कुड नॉट ये हट जाएगा, क्या बचेगा, ईट। तो द मैंगो वाज टू सावर फार अस टू ईट ईट, हो गया। लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन में यूज टू में अगला एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल है भाई, सीज ओवर एनर्जियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन, क्या हो जाएगा, ऑफ हर सन। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमने आपको बताया था जिस सेंटेंस में केवल टू आता हो उसको हम लोग बताए थे पिछले वीडियो में, कैसे उसको हम ओवर में या फिर एक्सट्रीमली में या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से बनाते थे, तो बस आराम से बन जाएगा, कोई चिंता नहीं है, ओवर आया, ओवर को हम टू में बदल देंगे, थ्री डबल ओ टू में बदल देंगे, बस सीधी सी बात बन जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ बन जाएगा आराम से, हो जाएगा सी इज टू, क्या किया हमने, इसको बदल दिया टू, एनर्जियस फॉर द सेफ्टी सेफ्टी
ऑफ हर सन। हो गया, इस प्रकार से ये भी बन गया। ये जो सेंटेंस रूल है वो उन सब के लिए है जिस सेंटेंस में केवल केवल टू आता हो, तो टू आता हो तो उसको ओवर में, और ओवर आता हो तो उसको टू में। आप ऐसा करेंगे ही, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, तो वहाँ से देख कर लीजिएगा, वहाँ से देख लेंगे तो ये वीडियो आपके लिए हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। अभी आगे और एग्जाम्पल लेते हैं, पूरे वीडियो में बने रहिए, और एग्जाम्पल्स लेते हैं आपके लिए। कैसे कैसे एग्जाम्पल है भाई, ध्यान देंगे सभी लोग। चलिए लेते हैं, क्या कर रहा है भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, क्या कर रहा है। द बुक वाज सो, द बुक वाज सो इंटरेस्टिंग, द बुक वाज सो इंटरेस्टिंग दैट आई कुड नॉट पुट इट, है ना। क्या कहा, द बुक वाज सो इंटरेस्टिंग, किताब इतना रुचिकर है कि आई कुड नॉट पुट इट, मैं उसे रख नहीं सकता। ठीक है, तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, फिर वही बात आ गई, यहाँ पर कोई और सब्जेक्ट, तो बस वही बात, फॉर मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस में इस प्रकार से हम इसको बदलेंगे, तो कैसे हो जाएगा, बन जाएगा भाई द बुक वाज सो को टू में, इंटरेस्टिंग फिर आई को फॉर मी, क्या करेंगे, फॉर मी, आई आपका सब्जेक्टिव केस है, उसको बदलेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, तो फॉर मी, फिर डैट को हटा के टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे टू, फिर आपको कुड नॉट हटा देना है, क्या बचेगा, पुट इट। हो गया, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप रेगुलर मेरा क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा नंबर लाएंगे, ये मेरा वादा है। तो चलते हैं आगे लेकर के क्लास नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 7 में लेकर के आपको चलते हैं। क्या कह रहा है भाई 7, इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट, इट इज़ सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका, हो जाएगा इट इज़ टू कोल्ड, क्या करेंगे, इतना हटा देंगे इसको, तो होगा टू गो आउट। ठीक है, इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट। ठीक है, ये लेते हैं आप लास्ट एग्जाम्पल, आज के क्लास का लास्ट एग्जाम्पल आप सबके सामने, देखिए ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए, जहाँ समझ में ना आता हो उसको फिर से रिवाइज करके देखिए, उसको बार बार देखिए, अपने फ्रेंड्स में सेंड करके उसको देखिए कि कैसे, क्या मैं कहना चाहता हूँ, क्या मैं बताना चाहता हूँ, क्या मेरा आशा है बताने का, अपने फ्रेंड्स में डिस्कशन करिए, उसके बाद एग्जाम्स में जो अच्छा नंबर लाएंगे तो आप कहेंगे वाह कितना अच्छा नंबर हमने पाया है, सिर्फ और सिर्फ देव क्लासेस से पढ़ करके। चलिए लेते हैं 8वां एग्जाम्पल्स, क्या कहता है, सी स्पीक्स सो फास्ट दैट, क्या लिखे भाई, सी स्पीक्स सो फास्ट दैट सी कैन नॉट
She cannot followed. She speaks so fast. क्या कर रहा है कि वो इतना तेज बोलता है that कि she cannot followed. हम लोग उसका पीछा नहीं कर सकते, हम लोग उसके साथ साथ नहीं चल सकते, क्योंकि इतना तेज बोलता है वो, उसका अनुसरण नहीं कर सकते. तो कैसे बनाएंगे? वेरी इजी तरीके से बन जाएगा. क्या हो जाएगा? She speaks too fast. फिर हो जाएगा टू, इसको हटाएंगे टू, ठीक है. She speaks too fast. अब क्या करेंगे? इतना आप हटा देंगे आराम से, तो हो जाएगा टू फॉलोड. हो गया. आज का क्लास कैसा लगा आप सब हमको कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा मुझे. ज़रूर आप सब बताइएगा कैसा लगा यहाँ से क्लास, क्या आप पढ़ पा रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या देव क्लासेस आपके लिए अच्छा है. ठीक, धन्यवाद.